नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। हम दिनों दिन अपनी सांस्कृतिक विरासतों को भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, इसलिए ब्लॉग्स टू मेक थिंक ने आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत की है, जिससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासतों से जुड़ी चीजों को जो कि विलुप्ति की कगार पर है उसके विषय में चर्चा करेंगे, ताकि नई पीढ़ी उसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर सके। यदि आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जिस पे चर्चा आवश्यक हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने परिवार के साथ एक विवाह समारोह में गई थी। वहाँ मैंने देखा एक बहुत ही विशाल गार्डन और चारों ओर साज सज्जा सुंदरता देख मेरा मन बहुत आनंदित हुआ। पकवानों के विषय में तो पूछे ही मत, लिस्ट इतनी लंबी है कि आपको बताने में मैं दो चार चीजें तो भूल ही जाऊंगी। अब बात निकली है तो फिर भी बता ही देती हूँ। ढाबा लगा हुआ था, तवा सब्जियाँ थी, मेन कोर्स में 4 से 5 सब्जियाँ शामिल थी। रोटियों में रुमानी रोटी से लेके सादी रोटी, मिक्सी रोटी, बाजरा रोटी, ज्वार रोटी, चाइनीज, पंजाबी, इटालियन, साउथ इंडियन, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और न जाने क्या क्या। ये सारी चीजें बूफे सिस्टम के अंतर्गत थी। इतना खाना होते हुए भी वो आनंद नहीं मिल पाया, वो स्वाद नहीं आया जो बैठ के खाने में वो गिने चुने आइटमों के स्वाद में आता है। कुछ पल एक कुर्सी पर यूं ही बैठ गई तो याद आया वो पंगत का खाना। हाँ, बात बहुत पुरानी है, पर सोचती हूँ कि आपको भी मेरी बातों से कुछ न कुछ याद आ ही जाएगा। आपको पत्तल सिस्टम का पहला नियम याद दिला दूं, पहले जगह रोकना, अब बिना फटे पत्तल दोनों को छाटते हुए वो उतारे हुए जूतों पर नजर रखना, फिर वो पत्तल पे ग्लास रखकर उसे उड़ने से रोकना, फिर वो परोसदारी करने वाले को गाइड करना, गर्म और नर्म पूरी छाट छाट के निकलाना और उंगलियों के इशारों में गुलाब जामुन की संख्या बताना, भैया और दीदी से गुलाब जामुन और लड्डू की रेस लगाना, वो पीछे वाली पंगत में झांकना और उधर क्या आ गया है और अपने यहाँ क्या बाकी है उसके लिए आवाज लगाना, पास में बैठे जीजा जी की पत्तल में जबरदस्ती मीठा रखवाना, रायते जलजीरा वाले को देख के फटाफट रायते को पी जाना, पंगत में बैठने की जगह का चुनाव करना और आखिर में वो पानी वाले को ढूंढना, फिर अपनी जगह दूसरे घर वालों को बैठाना, खाना पचाने के लिए परोसदारी करना, मौसी जी और बुआ जी को जबरदस्ती पूरी रखना, मनुहार में वो मीठा खिलाना। खैर, ये सब बातें पुरानी यादों में ही रह गई है। शादियों में जब से ये बूफे प्रथा शुरू हुई है, हम अपनी परंपरागत भोजन करने और कराने की प्रथा को पीछे छोड़ते हुए बूफे प्रथा के प्रचलन को बढ़ाते जा रहे हैं और इसमें अपनी शान समझ रहे हैं तथा पंगत के खाने में शर्म का अनुभव करने लगे हैं। पर आपसे ही जानना चाहूंगी कि खड़े होकर खाना और बैठ के खाने दोनों में से आनंद किस प्रकार की व्यवस्था में आता है। बुफे सिस्टम में कई तरह के भोज्य पदार्थ एक साथ उपस्थित होते हैं जो कि हमारे चिकित्सीय विज्ञान के अनुसार हानिकारक है, जैसे चाय और कॉफी और उसी के साथ आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का एक साथ उपस्थित होना। कई लोग चाय और कॉफी पीने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं या आइसक्रीम खाने के बाद चाय और कॉफी पी लेते हैं, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है। इस सिस्टम में अधिकतर खाना केटरिंग वालों द्वारा बनाया जाता है, जो कि अनहाइजीनिक भी हो सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यदि आप पत्तलों के महत्व को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और यदि आप भी मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव लिखकर भेजें।